जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में आज आप सबके काम की बात होने वाली है ना। जब हम कोई ड्रामे देखते हैं तो हमें लगता है कि अब जिंदगी में मजा आया है। आपका फेवरेट ड्रामा जब हम इंतजार कर रहे होते हैं, और ड्रामा जब भी हम देखते हैं हमारे एक्टर्स फेवरेट होते हैं हमारा। हम बेसिकली हर स्टोरी में उनको काइंड ऑफ इमेजिन करते हैं और उनके फॉन्ड हो जाते हैं। मगर जो कैप्टन है शिप का, वो कौन है? वो है वो इंसान जिसने वो ड्रामा लिखा है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ आज ऐसी दो बेहतरीन पर्सनालिटी से, जिनके बहुत मशहूर ड्रामे मैंने, आपने, हम सब ने इन्जॉय किए हैं हम टीवी पे। पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, अपने फेवरेट राइटर से कोई सवाल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। सुनो चंदा, सुनो चंदा का नाम किसको नहीं पता। रमजान में सबको इंतजार होता था सुनो चंदा देखने का। इन्होंने सुनो चंदा लिखा है, हम तुम लिखा है, फिर चुपके चुपके लिखा है। मेरे साथ हैं नन अदर देन साइमा अकरम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। साइमा आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी इस तक मदर बहुत खुश हो रही होंगी, बिकॉज वो एक राइटर से मिलने की जो एक खुशी होती है ना, वो एक अलग ही किस्म की खुशी होती है। आप साइमा से कोई सवाल करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इश तमाशा बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इतने शौक से आप लोगों ने देखा। दासी वाज अ क्लासिक, और दासी की इस तमाशा की जो राइटर है वो हमारे साथ मौजूद है, मिसबा नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मिसबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, हम सुनो चंदा से स्टार्ट करते हैं। ये सुनो चंदा जब आपने लिखा था, इट वॉज नॉट योर फर्स्ट ड्रामा, मगर आपको ये अंदाजा था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना हिट हो जाएगा। बल्कि मैं पहले भी दो तीन दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं ये लिखना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि एज ए राइटर अगर आपकी रेटिंग नहीं आती और तो आप कंसीडर नहीं किए जाते कि आप एक कामयाब राइटर हैं। ठीक है। तो उससे पहले जो मैंने ड्रामास लिखे थे, सबसे पहला मेरा सीरियल था मोहब्बत अब नहीं होगी। सही, बिल्कुल। उसके बाद फिर आया आधी गवाही, फिर उसके बाद आया मेरा दर्द न जाने कोई, और ये सीरियल्स थे जो मेरे हम टीवी पे ऑन एयर हुए। तो ये सारे एक उसमें एक रोती धोती सी लड़की दिखाई गई थी और उन्होंने रेटिंग्स भी ली, और मुझे लगता था कि शायद कामयाबी का यही क्राइटेरिया है कि रोना धोना दिखाना है, कॉमेडी नहीं दिखा नहीं, सकते कॉमेडी नहीं आप दिखा सकते। तो ये, और दूसरा ये था कि सुनो चंदा की जब मुझे ऑफर आई तो वो इसलिए आ गई कि क्योंकि मैं डाइजेस्ट में बड़े लाइट मूड के नॉवेल्स लिखा करती थी, नॉवेल्स लिखती थी खवातीन में, शुआ में, पाकिजा में। तो मुझे जो थी एमडी प्रोडक्शन की कॉन्टेंट हेड हैं सायरा गुलाम नबी, तो वो इस हवाले से मुझे जानती थी। तो जब उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप कोई रमज़ान सीरियल लिखें और लाइट मूड का लिखें, तो मुझे बड़ा, मेरे लिए बड़ा हैरान कन था कि टीवी के लिए हम लाइट मूड का सीरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो वो उस दौर में के ड्रामास देख के बड़े हुए हैं जिसमें धूप किनारे था, तन्हाइयाँ थे, और मुझे इस तरह के सीरियल्स अच्छे लगते थे। तो फर्स्ट टाइम जब सुनो चंदा जो है लिखना स्टार्ट किया, तो पहली उसकी जो चार एपिसोड्स थी वो मैंने कोई चार दफ़ा लिखी, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये नहीं चलेगा, ये जॉनरा जो है कि टीवी पे, क्योंकि मैंने बहुत सालों से नहीं देखा था। तो उसके बाद ये हुआ कि सुनो चंदा का एक स्टार्ट हो गया, और वो फर्स्ट मेरा ख्याल है इसकी 8 या 10 एपिसोड्स हुई होंगी, तो ये ऑन एयर चला गया। पर पहली बार जो पता चला कि ये ड्रामा हिट जा रहा है, क्या क्या कैसे पता? अच्छा, चला? मुझे, मेरे लिए बड़ा ये सरप्राइजिंग था कि ये कि कैसे हो गया ना, हिट हो गया। और क्योंकि वो मैं उस टाइम पर लिख रही थी, साथ साथ वो शूट हो रहा था, तो फिर जैसे जैसे उसकी रेटिंग्स आना शुरू हुई, जैसे जैसे वो मुझे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ व्यूवर्स का, तो उसके साथ ही जो है मेरा एक फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया से, हाँ, सबसे बिल्कुल मैसिव हिट था और इंडिया से भी, और ये मतलब हैरान थी कि इस तरह कैसे हो सकता है। ट्विटर पे ट्रेंड उसने बहुत किया, और उन्होंने एक नया ट्रेंड बनाया ना, जब आप किसी ट्रेंड को तोड़ते हैं। Exactly. लाइक दासी, बाय द वे दासी एक क्लासिक है, दासी की बहुत, हर इंसान को पता होता है दासी ड्रामे के बारे में। तो जब आप लिख रही थी दासी, तो क्या था आपके माइंड में? एक्चुअली ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्क्रिप्ट था। मैंने बहुत बहुत दिल से वो कैरेक्टर्स बनाए थे, सुनहरी और आहिल का। और बाय द वे आहिल जो है मुझे इतना नाम पसंद था, फिर मैंने अपने भांजे का भी वो रखा था। ओह माशाल्लाह। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था, और उसका स्क्रिप्ट मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, और वो फिर उसका फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो 2019 में जब मैं गई उमरिया पे भी, तो वहाँ पे भी मुझे जो लोग खवातीन वहाँ पे मिली और जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने भी मुझे दासी का ही मतलब हवाला दिया और बड़ा उस चीज़ को पसंद किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक सिडनी से थी, कुछ स्टूडेंट्स थी जो वहाँ पे आर्ट और ये ड्रामा वगैरह पढ़ाती थी, तो उन्होंने मुझसे फिर परमिशन ली थी कि क्या हम इसके, हमें कुछ आप सीन्स भेज सकते हैं, हम अपना सिखाते हैं एक्टिंग और ड्रामा, तो हमें वो चाहिए। तो मेरे लिए ये बहुत
बड़ी खुशी की भी बात थी कि चले अगर आपको कोई इस तरह से अप्रोच कर रहा है और पूछ रहा है, तो मतलब दासी आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है। I'm sure. अच्छा, जब आप कुछ इस तरह का बना रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि कितना पसंद किया जाएगा, तो वो जो एक लिखने का मरहला होता है, जो इमेजिनेशन होती है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि जब आप बैठकर कोई ड्रामा लिखती हैं, किस तरह लिखती हैं? कमरा बंद किया जाता है, बोला जाता है मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, किस तरह से डिफरेंशिएट होते हैं, एक ही वक्त में इतने सारे कैरेक्टर्स चल रहे हैं, ये किस तरह से होता है? असल में होता ये कि लोग ये समझते हैं शायद राइटर्स जो हैं वो एक कमरा बंद करके वहाँ पे बैठ के लिख रहे होंगे, लेकिन होता ये कि मुझे भी लगा लेकिन होता ये कि हम चूँकि हाउसवाइफ भी हैं और जो है एक घर की जिम्मेदारी भी होती है, फिर जैसे कि मैं एक वर्किंग लेडी भी हूँ, तो मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही होती हैं। और जब आपको डेडलाइंस आपके सर पे होती हैं, प्रेशर होता है ना, फिर आपको ये कोई मैटर नहीं करता कि आपको कहाँ बिठाया गया है कहाँ नहीं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, सुनो चंदा सीरियल मैंने हम टीवी के ये थर्ड फ्लोर पे बैठ के लिखा था। ओह रियली? तो वहाँ पे आपको पता है कि कितनी एक गैदरिंग होती है, कितना शोर होता है, तो जब आप पे प्रेशर होता है ना और आपको आप उस मूड में होते हैं लिखने के, फिर कोई चीज मैटर नहीं करती, फिर आप लिखते हैं। मिस्मा, आपके साथ भी ऐसा ही है? मेरा तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है कि जाहिर है मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे बच्चे भी, अभी मेरा 4 माह का बच्चा साथ आया मेरे, तो मतलब मैंने बच्चों को भी देखना होता है, फैमिली को, और वो कुकिंग ज़ाहिर है मैं खुद वो कर रही होती हूँ, घर को भी देखना होता है, तो फिर मुझे हम लोग लिख लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम पैशन है, जुनून नहीं होना पड़ता है अच्छा राइटर बनने के लिए, तो फिर हम मज़ा आता है, हम चलते फिरते घर का, इवन कोई काम कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो कैरेक्टर्स चल रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन वो थॉट प्रोसेस बीच में ब्रेक नहीं हो जाता? आप अच्छे खासे एक इमोशनल सीन लिख रहे हैं, बेल बज गई। हाँ, होता है, बहुत होता है ये तो बहुत ज़्यादा होता है हमारे साथ, गेस्ट आ गए। हाँ, तो फिर ये होता है कि हम राइटर्स जो है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती हैं, जहाँ कहीं फंस जाते हैं फिर दूसरे को कॉल्स करके, तो हाँ, ये हमारा अच्छा, बहुत है। हम वैसे बाय द वे आपस में इस तरह कोई है कनेक्शन, किस पूछा जाता है एक दूसरे से? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओह, एक्चुअली हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन ये मुझसे सीनियर हैं, ठीक है, और ये हमेशा मैं ये बात कहती हूँ जितने भी मेरे इंटरव्यूज हुए हैं कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, मुझसे बहुत सीनियर है, मैंने इनसे बहुत सीखा है। क्या बात नहीं, ये खुद बहुत मेहनती है माशाल्लाह। आप ये सोचें कि बहुत छोटी एज में इसने लिखना स्टार्ट किया, साथ बच्चों के साथ जो है, आप एक फैमिली को लेके रन कर रहे हैं आप उसके साथ, बच्चों के साथ, तो ये जब आपके अंदर लिखने की सलाहियत होती है तो फिर आपको थोड़ा सा भी कोई गाइडनेस मिल जाती है तो आप। लेकिन इन्होंने, मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब मुझे बड़ा इस चीज़ पे भी प्राउड फील होता है, इनकी दोस्ती पे भी बहुत होता है, और इन्होंने हर ज़िंदगी के मोड़ पे जो मेरी हेल्प की है या जैसे जैसे इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मतलब मैं वो छोटा सा बच्चा हूँ जो इनकी समझ नहीं उंगली पकड़ के चलने वाली। ये कितनी अच्छी बात है, हम बहुत कम ये देखते हैं कि दो लोग जो सेम फील्ड से वाबस्ता है, इस तरह से एक दूसरे की तारीफ करें, मेंटोर कोई हो और वो ऑन स्क्रीन आके बताए, बहुत बड़ी बात है, इसी को कहते हैं आर्टिस्ट। वेल जनाब, याहिया साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश हूँ कि ये दो लोग हमारे शो में आए हैं आज, और हम कब से चाहते थे कि वो ड्रामास जो हम देखते हैं उनके पीछे जो जहन है उनको हम यहाँ पे दावत दें, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, इनको मेरा बहुत सलाम हो। मैं तो इसलिए अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि मैं तो एक पाकिस्तान लवर आदमी हूँ। देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री रिवाइवर इंडस्ट्री इन लोगों ने रिवाइव करवाई है ना, लोगों ने इतना कीनली देखने लगे कि जो हमें जो हमारे पड़ोस मुल्कों के ड्रामों से हमें काफी हद तक निजात मिली, और बड़ा कॉम्पिटेटिव हमारे ड्रामों की आयशा सब बड़ी खुशूसियत कि ये जैसे राइटर लिखती है ना, तो इनके पास अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होता है, और डायलॉग डिलीवरी वगैरह इस तरह नहीं होती कि हिजान अंगेज नहीं होती, बड़ी प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी होती है, और जो लिखारी होता है ना, मैं समझता हूँ कि लिखारी क्रिएटिव होता है बेसिकली, उसकी अगर उसके अंदर सोच ना हो ना तो वो कभी भी लिख नहीं सकता। मेरे हिसाब से राइट, मेरा इनसे सवाल ये, मैं मुख्तसर करते पूछूंगा इनसे, मेरा सवाल ये कि हमारे यहाँ ड्रामे बहुत अच्छे बन रहे हैं लेकिन मौजूआत की कमी है, मौजू को एक्सटेंड करना चाहिए, मतलब मुख्तलिफ मौजूआत को लेकर आगे आना चाहिए, एक तो ये, दूसरी बात है कि जो लोग राइटर नहीं होते और वो खुद ही हर चीज प्रोड्यूसर डायरेक्टर हर कुछ बन जाते हैं, तो उसमें वो जान नहीं रहती, क्योंकि जो लिखने का काम है ना, बड़ा टिपिकल काम है, उसमें आपको एक एक करेक्टर के लिए अल्फाज चुनने पड़ते हैं, उसका सोचना पड़ता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी कि एक राइटर
सारे काम कर सकता है या राइटर एक अलग ही बंदा होता है जिसको एक जिसकी वजह से कहानी स्ट्रांग होती है और ड्रामा स्ट्रांग बनता है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया आईए साहब आपका। मौजू पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जिन्होंने कहा है कि राइटर ही जब डायरेक्टर बन जाए, प्रोड्यूसर बन जाए, आप लोग बजाते खुद एक राइटर हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे ये लगता है कि हम सबको अपने अपने एक डोमेन में रह के काम करना चाहिए। एक बंदा या तो उसके अंदर बहुत टैलेंट हो, हम सब ये समझते हैं कि वो तीनों चीज़ों के साथ जो है जस्टिफाई कर सकता है, वो एज ए डायरेक्टर भी काम कर सकता है, एज ए प्रोड्यूसर भी और एज ए राइटर भी, फिर तो ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर हम थोड़ा इसको डिवाइड करके अपने अपने पोर्शन पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छी एक चीज आ सकती है। आपका भी यही ख्याल है? देखिए, मेरा भी बिल्कुल यही है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो डायरेक्टर का काम है वो राइटर नहीं कर सकता, और जो राइटर का काम है वो डायरेक्टर या कोई भी एक्टर कम अज़ कम, अगर समटाइम हमारे साथ भी ये होता है और भी लोगों के साथ यकीनन होता होगा कि एक्टर्स जब अपना कैरेक्टर खुद बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा सच्ची बोलने वाली बंदी हूँ, तो उन्हें जब स्क्रीन टाइम ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो होते हैं कुछ ऐसे एक्टर्स जो नहीं हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि एक राइटर तो पूरे एक वो तरीके से चल रहा होता है ना, उसके तो सारे बेबीज़ होते हैं, हर किरदार से उसे प्यार होता है और वो स्टोरी के हिसाब से वो चल रहा होता है ना कि कहाँ उसने कितना जो है वो करना है, किसको कितना टाइम देना है, ये किसकी क्या स्टोरी है, कैसे लेके चलना है। कभी भी कोई भी राइटर अपने किसी किरदार के साथ ना इंसाफी नहीं करता। सही। तो क्योंकि वो हमें लगता है कि वो हम अपने साथ ज्यादती कर रहे थे, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने उसके 10 भी बच्चे होंगे वो कभी उसके साथ ज्यादती नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैरेक्टर छोटा सा है, बहुत ज्यादा सीन्स नहीं है उसके, लेकिन बहुत जानदार कैरेक्टर है, स्टोरी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जब हमने ये बोला कि राइटर अपना काम करे, डायरेक्टर अपना काम करे, तो आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी जरूरी है कि आप चाहती हैं इस चीज को इस तरह से पिक्चराइज किया जाए? ऐसा कभी हुआ है कि कहीं फंसे हैं, आपने कहा नहीं मैंने ये जो लिखा था वो ये सोच के लिखा था और ये उस तरह का लुक नहीं आ रहा स्क्रीन पे? ऐसा ये बहुत दफ़ा होता है इस तरह से, और बाज़ दफ़ा हमें ये लगता है कि जो हमारे जहन में एक पिक्चर बनी हुई थी ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, तो फिर बड़ा एक हर्ट होते हैं हम लोग। मेरे एक दो सीरियल्स हैं जो इस तरह से बर्बाद हुए और मैंने फिर उनको देखा भी नहीं दोबारा से, क्योंकि आपने बड़े दिल से लिखे हुए होती हैं ना चीज़ें, और हमेशा कोऑर्डिनेशन की जो कमी होती है ना वो चीज़ को ख़राब करती है। जब एक डायरेक्टर ये समझता है कि वो एक राइटर से ज़्यादा जानता है या राइटर जो है उसके डोमेन में आता है डायरेक्टर के, तो तब चीज़ ख़राब होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम अगर अपने अपने दायरे में रह के जब काम करते हैं, अपनी अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ निकलती है। डायरेक्टर और राइटर की जो आपस की एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ सामने आती है। सोनू चंदा में एसएन तालिश जो थे वो जहाँ कहीं पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था फौरन कॉल करते थे और पूछते थे। कभी भी उन्होंने, हालांकि बहुत सीनियर वो डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, इसी तरीके से दानिश हैं, जब उन्होंने चुपके चुपके ड्रामा सीरियल स्टार्ट किया था तो वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके डिस्कस किया करते थे। तो ये इससे तो ये होता है कि स्क्रीन पे पूरी चीज़ नज़र अच्छी आती है। और आप लोग जब कुछ लिखती हैं, जैसे नज़्मा जो नरेशन होती है कि इस रंग का लिबास था, इस तरह से लड़की बैठी हुई थी, सूरज यहाँ से निकल रहा था, ये जो सारी डिस्क्रिप्शन होती है, ये क्या एक डायरेक्टर को मदद करती है सही से उसको? देखिए, ये स्क्रीन प्ले तो लिखना पड़ता है और बाकायदा पहले कैरेक्टराइजेशन होती है हर किरदार की, कि उसने वो इस तरह की है, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल ये है, उसकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा है, वो इस यूनिवर्सिटी में जाती है, वो इस जगह रहती है, वो हमें हर चीज़ लिखनी पड़ती है। जाहिर है उसके बाद ही डायरेक्टर्स जो है वो करेंगे ना, क्योंकि अगर हम लिखने मिडिल क्लास फैमिली की कोई स्टोरी लिखें और हम मेंशन ही ना करें कहीं अपने स्क्रिप्ट में, और डायरेक्टर को क्या पता वो एलीट क्लास में जो है वो उसको उठा के शूट कर दें, तो वो तो ख़राब हो जाएगा ना, लोगों का भी मतलब होगा कि ये क्या बन गया है, तो वो चीज़ें तो होती हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जब ऐसे कोई स्क्रिप्ट पे बैठा जाता है तो डायरेक्टर के साथ हमारी मीटिंग्स करवाई जाती हैं और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग जो है वो कुछ वो मनवाते हैं, कुछ हम अपनी मनवा लेते हैं, मिडिल ग्राउंड बीच का निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में हमारे साथ अमेजिंग ड्रामा राइटर्स बैठे हुए हैं, सुनो चंदा, इश्तमाशा, अनगिनत नाम है ऐसे। अब हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि दोनों की दोस्ती है, पहले तो यकीन नहीं आता था कि दो अमेजिंग राइटर्स की आपस में दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि दोस्ती हुई कैसे, तो ये मुझे प्लीज बताइए कि क्या मजेदार सा ये किस्सा है, दोस्ती कैसे हुई? ये एक्चुअली 2014 की बात है, तो मेरा एक सीरियल ऑन एयर हो रहा था एक चैनल पे, तो उस पर मेरा नाम जो था वो नहीं दिया जा रहा था, वो उन चैनल की पॉलिसी थी वो किसी राइटर का नाम नहीं दे रहे थे उन दिनों, कुछ टाइम के लिए। ओके, तो वो चूँकि मेरा एक सेकंड सीरियल था और मेरे लिए ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं आ रहा,
तो मैंने बड़ी एक कंपेन जो थी उसके खिलाफ चलाई कि राइटर्स जो हैं वो मेरा साथ दें, और अगर आज मेरा नाम नहीं आ रहा तो कल को आप में से किसी का नाम नहीं आएगा। तो फिर ये मिसबा ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, ये इन दिनों स्ट्रगल कर रही थी, एक नया सीरियल लिख रही थी एक चैनल के लिए, उसी चैनल के लिए लिख रही थी नाम नहीं हम बताएंगे आपको। हाँ, तो फिर मिसबा के साथ बस वहाँ पे फ़ोन पे स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं उन दिनों इस्लामाबाद हमारी पोस्टिंग थी तो मैं वहाँ पे रहती थी, तो इनकी मुझे कॉल्स आती रहती थी। मैं उन दिनों सुनो चंदा भी लिख रही थी और चीज़ें चल रही थी। okay. और फिर एक दफ़ा इन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा बैकग्राउंड जो है ना बड़े एक फ्यूडल सिस्टम से है और मैं बड़े एक जागीरदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ, तो मैं बड़ी मेरे लिए अच्छा मैंने तो मैं मुझे ना लिखने की परमिशन तो है लेकिन मैं अभी थोड़ा सीख रही हूँ चीज़ों को, तो आप मुझे बताएंगी। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, इन्होंने फ़ोन कॉल्स के ऊपर सीखे है ये उर्दू की जो होती है उर्दू इन पेज की मुझे अलिफ बे का भी नहीं पता था, मुझे इस बंदी ने सिखाया टाइपिंग। मुझे याद है बल्कि एक दफ़ा, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, ये ईद के लिए जा रही थी साथ का बाद इनका जो होम टाउन है तो ये वहाँ जा रही थी, तो मैंने वहाँ पे मतलब इनको रास्ते में कॉल की क्या करूँ मुझे एपिसोड देना, मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने फिर मुझे वहाँ पे भी समझाया था कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। फोन पर आपने फोन पे सीखा इन्होंने वन लाइनर जो है उसके अंदर उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसी चीज़ें चलती हैं, वो इन्होंने सीखी। मैं बता रही हूँ कि ये बड़ी अमेजिंग राइटर है, अल्लाह ताला ने इसको बड़ा टैलेंट दिया हुआ है। एक बंदी जो है जिसकी 16-17 साल की एज में शादी हो गई और वो दो बच्चों के साथ जो है राइटिंग की तरफ, उससे पहले ये माशाल्लाह डाइजेस्ट में बड़ा अच्छा लिख रही थी नॉवेल्स वगैरह जो थी, तो मेरे लिए इनका नाम जो था वो इतना वो नहीं था कि, और मैं जानती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि जब हम इस्लामाबाद से घर जाते थे रिमिया खां ईद के लिए, तो रास्ते में इनके पास स्टे करते थे, इनका जो था वहाँ पे बहुत मज़े की वो गपशप होनी, मैंने खाना बनाना इनके लिए, इनको बड़े मतलब मेरे हाथ की फिश बड़ी पसंद है। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा एक प्रोसेस जो था वो चलता गया। फिर उसके बाद हमारी दोनों की, मेरी सुनो चंदा के ऊपर इसकी इश्क नमाशा के ऊपर नॉमिनेशन हुई, तो फिर हम एक साथ अमेरिका गए, वहाँ पे ट्रैवल एक साथ किया। फिर हमने जितने फंक्शंस होते थे लाहौर में तो मैं जाती थी मिसबा के पास, तो हमने बहुत इंजॉय किया, बड़ी ट्रैवलिंग की है, हमारी डेली गॉसिप्स चलती हैं। शाम को जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो दोनों ने एयरपोर्ट्स लगाए होते हैं, साथ साथ कुकिंग हो रही होती है, साथ साथ हम एक दूसरे की स्टोरीज को डिस्कस कर रहे होते हैं। क्या बात है। अच्छा ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, स्टोरीज को डिस्कस, जो आप लोग ड्रामा जो लिख रहे होते हैं आप कभी अनसेफ फील नहीं करते, जैसे होता है कि आर्टिस्ट बोलता है कि मैं बता दूंगा मेरा आइडिया ना कॉपी कर ले, इतना इतना भरोसा एक दूसरे पे। देखिए मेरी तो कोई कहानी जो है वो वन लाइनर कहानी बनती ही नहीं साइमा अकरम चौधरी के बगैर, ठीक है। और मेरे साथ तो ये होता है कि मैं जहाँ फंसती हूँ तो मैं मिसबा को कॉल, और ये मतलब इनका बेशक इनका जॉनरा थोड़ा डिफरेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और मतलब उस वे में मैं रिस्पेक्ट इनकी बहुत करती हूँ कि हमारी दोस्ती है, फ्रैंकनेस भी है, लेकिन एक जो एक हम ना रिस्पेक्ट जो है वो सबसे बढ़ के है इसमें। और मैं मतलब क्योंकि इन्होंने बहुत माशाल्लाह काम किया, इनका बहुत ज़्यादा वो है, नाम भी है, तो मैं हमेशा इनको ना एक स्टेप या 10 स्टेप अपने से ना आगे देखती, तो मैं उसमें इनको बोलती हूँ अक्सर, हालाँकि ये गुस्सा करती हैं लेकिन मैं कहती हूँ नहीं ये फैक्ट है, इस चीज़ को मानना चाहिए, और फिर मैं जो ये कह देती हैं फिर मैं वो ही कर रही होती हूँ। क्या बात है। और ये ट्रू आर्टिस्ट की निशानी होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे राइटर्स को जब इंटरव्यूज में आप देखते हैं, आप पूछते हैं इंस्पिरेशन क्या है आपकी, आप कभी किसी से आइडियाज डिस्कस करते हो, कहते हैं नहीं हमें आइडियाज खुद आते हैं, हम किसी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इंस्पायर्ड हो। यकीन माने मिसबा के मिसबा का सीरियल जो कुछ चल रहा होता है तो वो लोग मुझसे जो है पूछते हैं फोन करके कि आगे क्या होगा, उनको पता होता है किसको पता होगा, हमारे पूरे पूरे एपिसोड्स एक दूसरे के पास होते हैं। तो और सॉरी आपकी बात, मुझे असल में इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना चीज़ें बताते हुए, अभी इनका एक सीरियल ऑन एयर है हम टीवी से ही, तो ये किसी को टाइम नहीं दे रही थी, तो अच्छा इंस्टा पे भी डीएम में लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं मैम साइमा तो सारे ये बिजी, इनका स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है कि वो पढ़ाती भी हैं और वैसे भी तो इनके पास टाइम ही नहीं होता, कि कभी किसी को रिप्लाई नहीं भी कर पाती ना, तो लोग मुझसे आके वो तो रिप्लाई नहीं कर पा रही, उन्होंने तो हमारा मैसेज सीन नहीं किया, आप बता दें अब ये आगे क्या होने वाला है। अच्छा और एक और थे साहब थे, वो एक YouTube चैनल के लिए इनका इंटरव्यू करना चाह रहे थे, इनके पास टाइम नहीं था, तो वो मेरे पास आ गए, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे साइमा अकरम चौधरी की हर उसका पता होता है, अगर आपको पता है, शायद वो मेरा इम्तिहान ले रहे थे, अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, नाम ले सकती हूँ काला डोरिया में क्या होने वाला है आगे। अच्छा अच्छा मैं तो अपनी, मुझे तो वो जैसे वो एक कोई लग जाती है ना बात, मैंने तो अपनी वो साबित करने के लिए उनको पूरी स्टोरी,
अच्छा वो कहते बहुत शुक्रिया, मैं यही पूछना चाह रहा था। मतलब लोग हमारे साथ ऐसे भी करते हैं शायद। क्या बात है, लोगों को आपकी दोस्ती का इतना ज्यादा पता है। हाँ। हमारे साथ सना भी मौजूद है कराची से, देखते हैं उनको क्या सवाल है उनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आपको भी। क्या पूछना चाहेंगी मिसबा से, साइमा से? भाई ये दोनों अमेजिंग खातून माशाल्लाह आईनी है यहाँ पे, और इनकी दोस्ती और इनकी अंडरस्टैंडिंग और इनके जो प्रोजेक्ट हैं इनको सैल्यूट। बहुत खुशी हो रही है मुझे इनके बातें सुन के। मुझे सवाल कहना ये था, जी जी मुझे कहना ये था कि मुझे इतना लिखना तो बिल्कुल भी नहीं आता, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। मेरे पास स्टोरीज बहुत हैं, मतलब मेरे एडगेट की स्टोरी सच्ची कहानियां मेरे पास बहुत है, मगर मैं उनको लिख नहीं सकती। ओके, तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, मतलब आगे बढ़ने के लिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली। कि कुछ लोग होते हैं वो इस बारे में बड़े, उनको पता होता है कि इस मौजू पे बात होनी चाहिए या कोई ड्रामा बनना चाहिए, लेकिन लिखने की सलाहियत नहीं है। ऐसा कभी होता है कोई आपको बताए कि ये मौजू होना चाहिए और आप इंस्पायर हो, आप बोले हाँ इस मौजू पे मैं लिख सकती हूँ? असल में ये होता ये है कि हर चैनल का एक क्राइटेरिया है, वहाँ पे उनके टॉपिक्स होते हैं कुछ, हमने उनको फॉलो करना होता। अच्छा। है बाज़ अवकात ये होता है कि जो एक आम दिखने वाला होता है उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि इस टॉपिक पे बात हो सकती है या नहीं हो सकती। तो लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ आते हैं, लेकिन हम हर उस टॉपिक को टच नहीं कर सकते क्योंकि कैमरा के भी रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इमेजिन करें कि आपका कोई अपना चैनल है, सही है, और कोई ऐसा मौजू जो आपको आपको जरूरी लगता है, आपको जरूरी लगता है कि इस पे अगर मेरा बस चले और प्रोडक्शन अलाउ करे तो मैं इस पे ड्रामा बनाऊं, कोई ऐसा? अच्छा, मुझे लगता है कि हमें मेंटल हेल्थ जो है उसके इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए, उन चीज़ों को सामने लाना चाहिए जिन पे बात करते वक्त थोड़ा सा हम हेजिटेट होते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो लोग हमारे ऊपर ये लगा देंगे कि शायद ये पागल है या तो ये कुछ ऐसे टैबूस हैं जो जिन पे लास्टली इस पे को हमें एड्रेस करना चाहिए। तो अगर अपना चैनल होता तो फिर हो सकता है कि हम उन मौजूदात पे उन चीज़ों पे ज़रा खुल के लिखते। तो बहुत आई रियली होप और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी ऐसी चीज़ लिखे वो अप्रूव हो जाए। इसी तरह मिसबा कोई आपका कुछ है ऐसा कि ये मौजू टच होना चाहिए दिल के? देखिए ये हमारी बहुत डिस्कशंस होती हैं, इस मेरा जवाब भी यही है, मैं इनको सेकेंड करूँगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारी आवाम जो है, देखने वाले जो हैं उनको एजुकेट होना, मतलब उनको थोड़ा सा होना बहुत ज़रूरी। हम ड्रामा उनके लिए लिखते हैं, उनके लिए बनाते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी है कि जो चीज़ कभी भी बहुत हट के या किसी नए मौजू को जब टच किया जाता है लोग कोशिश कर, लोग उसको नहीं देखते, ना उसकी रेटिंग्स आ रही होती है, ना उसके व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो वो उस पर देखें, एक चैनल ने करोड़ों रुपया लगाया हुआ होता है और बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है, तो उसमें आके फिर हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो फिर इस वजह से हम पे एक बड़ा इल्ज़ाम है कि राइटर्स वही घिसे पीटे पुराने मौजूआत लिख रहे होते हैं, ये कुछ हट के नहीं करते। तो हम उनको, मतलब आज आपके ही जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम भी यही बात क्लियर करना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग भी मजबूर हैं, मतलब हमें समटाइम ऐसा भी होता है कि लोग हमें बहुत बुरा भला भी कह रहे होते हैं। अभी मेरे एक रिसेंटली ऑन एयर है प्रोजेक्ट, उसमें मतलब इतने मैसेजेस हैं, पहले तो लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा, तो सबको लगा कि पता नहीं ये क्या है, ये क्या लिख रहा है वो, ये क्या सिखा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद अब जब उसका अब थोड़ा वो आगे बढ़ा है और लोगों ने देखा है, तो अब मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है उस पर। तो देखिए पहले ही राय मत एक तो कायम कर लिया करें, और दूसरा अगर कुछ हटके हैं तो प्लीज़ उसको देखा भी करें। हम बना देंगे, बनाने वाले बना भी रहे हैं, लेकिन देखने वाले नहीं देखते ना वो ड्रामा। बिल्कुल, तो मैं तो उस हिसाब से कहूँगी कि फिर भी कुछ बेहतर सही चल रहा है। तो वो जो एक तबादला होता है ऑफ ओपिनियंस के, वो ड्रामे आजकल के जो जिस तरह से आ रहे हैं आप उनको कहीं यूटिलाइज करती हैं, कुछ वो ऐसी फरमाइश करते हैं कि हमें ये वाला रोल चाहिए या ये आप बनाए? अच्छा ये तो सॉरी एक्चुअली मैं हूँ बॉयज़ कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे आपको पता है कि टीन एजर्स स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, और उनको बड़ा शौक है कि आप वो टीवी पे आएँ और परफॉर्म करें। ओके, स्पेशली जो अभी हम टीवी पे एक सीरियल ऑन एयर हुआ था परिजात, तो वो उसको देख के हर तीसरा बच्चा जो है वो परिजात बनना चाहता था। तो वो जो उनसे भी बड़ी मुझे मिलती है इंस्पिरेशन मिलती है, बच्चों से बड़ी एक एनर्जी मिलती है, चूँकि मैं ज़्यादातर यंगस्टर्स के लिए लिखती हूँ। मेरे सीरियल्स जो थे सुनो चंदा या काला डोरिया या चुपके चुपके हम तुम, ये ज़्यादातर मैंने फोकस किया हुआ था अपने यंगस्टर्स को, तो फिर मुझे वहाँ से कॉलेज से बहुत अच्छा एक फीडबैक मिलता है, बड़ा जेन्युइन फीडबैक मिलता है।
और वो उनको और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो ये इस चीज़ पे वो कतन नहीं करते कि हमारी ये जो हमें बढ़ा रही है हमारी प्रोफेसर हैं तो ये माइंड कर जाएंगी, नॉट एट ऑल, बिना झिझक बोल देते हैं, बिना झिझक बोलते हैं, आपको सजेशंस देते हैं। जैसे आजकल काला डोरिया ऑन एयर है, तो वो हालांकि मैं पूरा स्क्रिप्ट लिख चुकी हूँ लेकिन वो मुझे सजेशंस दे रहे होते हैं कि मैम आप उसको इस तरह से कर लें, आप ऐसे कर लेती तो ये ज़्यादा अच्छा होता, तो इस तरह के सजेशंस तो हमें मिलते रहते हैं। और आप उनको आई एम श्योर ग्रेसफुली लेती हैं, तभी तो वो कह भी पाते हैं, बता भी पाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ज़ाहिदा हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश हूँ। क्या सवाल करना चाहेंगी साइमा से, मिस्बा से? जी पूछना ये कि जैसे कोई हाउस वाइफ है घर में, उनके पास टॉपिक है हजारों, ठीक है, वो काम कोई शुरू करना चाहती हैं, वो आपको सिर्फ टॉपिक बताएं, आप उनके लिए लिखें अगर आपको पसंद आए, तो इस तरह क्या कोई हाउसवाइफ काम शुरू कर सकती है? ठीक है, बहुत आपका अच्छा सवाल है, और मैं वैसे इस पे बारे में हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ मौजूदात की, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर अगर वो टॉपिक हो सही तो क्या अभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, अभी आपको बता देती हैं साइमा भी, मिसबा भी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से अगर कोई ऐसे राब्ता करना चाहे, मौजू कुछ बताना चाहे, चाहे उनका क्रेडिट ले ना ले, ऐसा कुछ तरीका होता है कि इंस्टाग्राम पे कभी आपको कोई मैसेज करे, फेसबुक पे मैसेज करे कि जी ये मौजू है इस पे आप कुछ बनाएं? लोग तो पूरी पूरी स्टोरीज बना के भेज देते हैं, और वो चूंकि मुझे बड़ा मजा आता है बाजू का, बड़ा हमारा पढ़ने वाला या देखने वाला बड़ा मासूम होता है ना, तो वो जैसे पिछले दिनों मुझे इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की है कि जिसमें हीरो जो है कभी वो फ्रांस जा रहा है, कभी वो जर्मनी जा रहा है, कभी वो बजट का इशू आ जाएगा तो वो अगर किसी ने कोई स्टोरी शेयर की है उसमें कुछ 40-50 कैरेक्टर्स डाल दिए हैं, तो सर वो चीज़ें उन बेचारों को नहीं पता ना उस चीज़ का, तो भेजते हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो होती हैं ना वो ऑन एयर हो चुकी हुई होती हैं, जिन टॉपिक्स पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आप इस पे लिखें, और थोड़े आम ही टॉपिक्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है। हाँ ये होता है कि हम एज अ राइटर जो है अपनी सोसाइटी में से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, कंसीव कर लेते हैं, हमें लगता है कि इन पे बात होनी चाहिए, और बैठे बैठे एकदम से स्टोरी बन जाती है आपके जहन में जो है। तो ज़्यादातर जो है हम अपने जिंदगी की जो लाइफ होती है वहाँ से चीज़ें और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उठा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे ड्रामे हमें दिए हैं और इतने अच्छे अच्छे उसमें एक्टर्स ने काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू मिसबा, के कौन सी ऐसी एक्टर हैं या कौन से ऐसे एक्टर हैं, कोई एक जो आपको लगे कि ये जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इससे बेहतरीन ये कोई कर ही नहीं सकता था, एग्जैक्टली वही किया है जो आपने अपने माइंड में इमेजिन किया था, जो ऑन मतलब हो चुका है, जो जो हो चुके हैं, टफ क्वेश्चन। अच्छा कोई एक देखिए, इश्क तमाशा जो था मेरा हम टीवी से मेरा पहला ही प्रोजेक्ट था, और वो मुझे ब्रेक भी इसी से ही मिला था, मतलब मुझे पहचान मिली थी बहुत, तो उसमें बड़ा बबली सा किरदार था किंजा हाशमी का, रुशना का उसने किरदार किया था, तो मुझे लगता है कि उस जैसा उसके अलावा वो कोई कैरेक्टर कर ही नहीं सकता, तो किंजा ने इतना खूबसूरत किया था, क्या बात है, बहुत खूबसूरत उस पर था, तो किंजा हाशमी, किंजा हाशमी आपके केस में। और आप अच्छा मुझे लगता है कि सुनो चंदा में जो थी इकरा अजीज थी, उनसे अच्छा जिया का कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता था, बिल्कुल, या फिर चुपके चुपके में आयजा खान जो थी, हालांकि मैं बड़ा हंसती हूँ इस बात पे कि जब आयजा को लिया गया था तो सबसे ज़्यादा मैं शोर मचा रही थी कि हाय आयजा कैसे करेंगी, वो हमेशा रोता धोता कैरेक्टर करती हैं, वो तो इतना चुलबुला सा कैरेक्टर है, तो आयजा ने मुझे जो है वो बड़ा हैरान कर दिया, और वो अब मुझे लगता है कि वो आयजा से अच्छा कोई कैरेक्टर कर ही नहीं सकता था। एंड आई एम श्योर कि एक एक्टर के लिए एक राइट डायरेक्टर से तो चले तारीफ आना एक अलग चीज़ होती है, मगर एक राइटर से तारीफ आना जिस की एक्ट जिसका एक्चुअली वो बेबी है जिसने वो चीज बनाई है, बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा हमारे से कॉलर भी हैं आप लोगों के लिए, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी मैं मदीहा बात कर रही हूँ, अपवा की मेंबर हूँ मैं, और साइमा आपी और मिसबा आपी से मैं मिल चुकी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों को यहाँ पे देख के माशाल्लाह। क्या बात है, कुछ पूछना चाहेंगी? पूछना तो यही कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनसे मिलने की दोबारा से थी ख्वाहिश कि दोबारा मुलाकात हो। कहाँ कहाँ हो सकती है, कुछ हो रहा है इवेंट, कहीं मिल सकते हैं आप लोगों से? नहीं हम लोग मिल चुके हैं पहले अपवा की मीटिंग में, और हमारे इवेंट में भी आप आ चुकी हैं, और इन्हें अवार्ड भी दे चुके हैं हम लोग। okay. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू सी देम टू बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छा लग रहा है, बात हो सकती है मेरी? बिल्कुल कौन बात कर रही है, मदीहा? सॉरी जी
मदीहा बात कर रही है लाहौर से, लाहौर से। अच्छा मदीहा बात कर रही है, कैसी है मदीहा आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं सहमा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मदीहा। मुझसे अभी अपा ने रब्ता किया था, ये जो अवार्ड शो हो रहे थे लाहौर में, तो लेकिन मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी आ सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो इंशाल्लाह ताला अपा का कोई नेक्स्ट होगा इवेंट तो हम लोग जरूर आएंगे लाहौर में। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हैं और मिलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे देखा तो मैंने फौरन कॉल मिलाई कि मैं बात कर लूँ क्योंकि मौका नहीं मिलता ना बार बार ऐसा। थैंक यू मदीहा, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। और वेल जाते जाते अब वक्त कम है मुकाबला सकते जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, कोई मैसेज देना चाहेंगे सारे? मैं तो बस ये कहूँगी अपने ऑडियंस को कि आप लोग जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना सीखें, जो अच्छे टॉपिक्स हैं उनको भी देखें, उनको भी देख के रेटिंग्स दें, क्योंकि हम लोग जो चल रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों पे चलते हैं कि जो व्यूवर्स हमें देता है, दे रहा होता है, रिस्पांस दे रहा होता है। तो जब आप अच्छी चीज़ों पे रिस्पांस देना सीख लेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अदरवाइज़ होता ये है कि जब एक टॉपिक जो है वो हिट हो जाता है तो उससे मिलती जुलती बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग काइंडली अच्छी चीज़ों को जो है वो सपोर्ट करें और उनके ऊपर अच्छे कमेंट्स दिया करें और अच्छी चीज़ें देखना सीखें। क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ आज मिसबा नौशीन और इस जगह पर मैं बैठी हुई हूँ। बहुत मेहनत से हम लोग भी ड्रामाज लिख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। पीछे एक लंबी लंबी एक हमारी जो है वो दास्तान है, अगर हम सुनाने बैठे तो बहुत टाइम तो ख़त्म हो ही गया है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग नए राइटर्स जो हम लोगों से रابطہ करते हैं और हमारी मजबूरी को समझे बग़ैर आप लोग हमें मतलब मग़रूर और पता नहीं क्या कुछ बोल जाते हैं, और सिर्फ ये देखें कि किसी के लिए भी ड्रामा लिखना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो प्लीज़ आप पढ़ना सीखें, आप लोग ड्रामा देखिए, क्योंकि आप लोग बिना ड्रामा देखे बिना पढ़े एक बहुत बड़े ड्रामा राइटर बनना चाहते हैं तो इस तरह से नहीं होता। तो ज़रूर आगे बढ़िए, अगर आप लोगों की अच्छी कहानियाँ होंगी तो ये चैनल्स जो हैं ना वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। हमारा भी कोई गॉड फादर नहीं था, हमने भी मेहनत की और हमें भी हमारे टैलेंट की वजह से ही मौका मिला है, तो आप लोगों को भी ज़रूर मिलेगा। तो इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आई एम श्योर कि आपने इन दो अमेजिंग ड्रामा राइटर से ही सीखा होगा कि वेल जिसको कहते हैं ना मेहनत में अजमत है, तो आप अगर लगता है ऐसा कोई काम कर सकते हैं उसके बारे में सीखें समझें उसके बाद लिखें तो ज़रूर आपको कामयाबी होगी। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं एक इवेंट के बारे में, कुछ टेडेक्स का इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है ये मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी आयशा स्पीक में, राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।